मन है घायल रूह दुखी है इस दुनिया में कौन सुखी है कभी अनारी पे जो है ना भरोसा नहीं करता ये तो मैं इस यार के कहने पे ये सब कर रहा लेकिन इसके लिए तुम्हें कम से कम एक महीना मेरे साथ पहाड़ों पे चलना होगा ट्रेनिंग के लिए साई क्या है साई वो बड़ी सरकार आई हाँ नजीरा नेहरू आ रही तेरी तरफ उधर ही उसको जरा छुपा दे ऐसा कर कासम की कुठी में भेज उसको नहीं नहीं रुक रुक वो वहां भी नहीं घुस जाएगा तुम अपने पीछे क्वार्टर में जो है ना उधर उधर घुसा दे उसे हाँ तो यूं समझ कि अमीरों के घर में दबाया हुआ माल जो हुकूमत के खजाने से हेरा फेरी करके मेरा मतलब है कि काला धन समझती है ना काला धन निकाल कर असल हकदारों तक पहुंचा पता नहीं क्या पक्के जा रहा खैर तू नहीं समझेगी बहुत मुश्किल काम है ये इसके लिए पहले ट्रेनिंग दी जाएगी हाँ कहा रहा है मेरी समझ में तो ज्यादा समझने की कोशिश मत कर मुझे एक महीने के लिए ट्रेनिंग पे जाना पड़ेगा क्या चला जाएगा हाँ अम्मा मुझे ट्रेनिंग के लिए वहां जाना पड़ेगा एक महीने के लिए लेकिन अम्मा तू फिक्र ना कर तुझे पैसे देकर जाऊंगा बस तू मेरे लिए दुआ कर कि मैं अपने मकसद में कामयाब हूं अल्लाह तुझे हर नेक मकसद में कामयाब कर खाना खा लिया मैंने एक कप चाय बना हाँ वो मैं बना के लाती दुआ भी वो दे रही है जो कभी पूरी नहीं होगी अम्मा लेकिन हाँ मैं तो अपने मकसद को नेक समझता हूँ बाकी अल्लाह ही खैर है क्या करने आई है यहाँ पे हाँ क्या करने आई है बार वो साईं मेरा दम घट रहा था आज सारा दिन नजीरा ने मुझे स्टोर में बंद रखा था ना मैंने कहा था उसे ऐसा करने के लिए जानती नहीं है बड़ी सरकार आई हुई अंदर अगर उसे पता चलता तो पता है मैं क्या करता तेरे टुकड़े करके चील कवों को खिलाता मैं समझी जब तक वो यहाँ पे है क्वार्टर के अंदर है ना बाहर नहीं आना जा, जा। छापा मारने के लिए आ गई बाप दादा का गुलाम समझा हुआ है जेके पे हुक्म चला दिए जेके पे हुक्म मेरी तो कोई बेटी नहीं थी लेकिन बड़ा शौक था साईं सरकार कि मेरी भी औलाद हो तो मेरी बड़ी बहन ने उसे मेरी गोद में डाल दिया मैं उसे बेटियों की तरह प्यार करती हूँ और वो भी मुझे माँ समझती है तुम्हें तो पली पलाई बेटी मिल गई तुम उसे अपने पास यहाँ क्यों नहीं रख लेती हो कोशिश तो बहुत की दो चार दिन से ज्यादा उसका यहाँ दिल ही नहीं लगता गाँव में पली बड़ी है ना यहाँ के शोर शराबे से घबरा जाती है तो उसकी शादी कर दो बस बड़ी सरकार अब उसकी होने वाली है शादी उसके ताया के बेटे के साथ उसकी शादी हो
तो बता देना, मैं जहेज भिजवा दूंगी। बड़ी सरकार, अल्लाह आपको बहुत सी खुशी बहुत खुशियां दे। बस नजीरा, मेरे बेटे के लिए दुआ करो। बड़ी सरकार, छोटे साईं के लिए तो मेरा रोवा रोवा दुआएं करता है, अल्लाह उनको हयाती दे। नजीरा, नाश्ता नहीं लगाया तुमने बड़ी सरकार के लिए? मैंने नाश्ता कर लिया है, आप कर ले, मैं जा रही हूँ। नहीं नहीं मेरू, एक आध हफ्ते रुको तो सही। आइए तो मैं वहां नहीं होती हूँ तो कोई काम नहीं होता, मैं जा रही हूँ। गाड़ी लगवा जल्दी, आगे जा, भाग जल्दी। अम्मी, ये रानी के साथ वो दूसरी औरत कौन है? वो परवीन है, अपने शौहर के जुल्म सितम से भागकर यहाँ आई है। क्या भागकर आई है? मेरा मतलब है कि अपनी जान और इज्जत दोनों बचाकर। उसका शौहर ना सिर्फ निखट्टू है बल्कि नशा करके उसे मारता पीटता भी था, और अब तो उसे गलत रास्ते पर भी चलाना चाह रहा है। माँ, तो आपको उसको यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? दारुल अमान है ना? वो बहुत खौफज़दा थी, मैं एक दो दिन तक छोड़ाऊंगी उसे। बिल्कुल, आपको उसे छोड़कर आना चाहिए। आपको अपना ख्याल रखना चाहिए, ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उसे यहाँ रखना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन बस मुझे एक दो दिन दे दो। तुम काम पर नहीं गए अभी तक? हाँ, बस थोड़ी देर में निकल रहा हूँ। चले, मिलते हैं। अम्मा जाए, जीती रहे बेटी, अल्लाह नसीब अच्छा कर। बैठ। अब तो तू कुछ रोज में भी आके अपने घर चली जाएगी, फिर मुझे रोज सुबह सवेरे चाय कौन बना के देगा? नौशी से तुम्हें कोई उम्मीद नहीं रख सकती। तो मत जाने देना मुझे अम्मा, यही रोक ले अपने पास। नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। बेटियां तो राजा महाराजों की भी घर नहीं बैठी। ये तो बहुत खुशी की बात है कि तू अपने घर की हो जाएगी। वो बहुत अच्छी औरत है, अकेला बहुत प्यार करने वाली, बहुत नेक दिल औरत है। वो बड़े मान से तुझे बहू बना के ले जा रही है। मुझे उम्मीद है वो तुझे बहुत खुश रखेगी। उसका बेटा भी बहुत अच्छा है, बड़ी तारीफ सुनी है लोगों से मैंने उसकी। देख शानो, जिस तरह तू यहां रहती है ना, उस घर को भी ऐसे ही समझना जिस तरह तू यहां मेरी और अपनी बहनों की खिदमत करती है। वहां सास और नंद की खिदमत करना। आपने शोहर की कोई बात डालना नहीं, उसके हर हुक्म के आके सर झुकाना। वैसे तो तू मेरी बहुत हीरा बेटी, मुझे मालूम है शानू तू मुझे शिकायत का कोई मौका नहीं देगी, लेकिन फिर भी बेटा, माँ होने का फर्ज निभा रही हूँ। शादी के बाद ससुराली लड़कियों का असली घर होता है। जो बच्चियां मुड़ मुड़ कर मेघे की तरफ देखती रहती हैं ना, वो ना ससुराल की रहती हैं और ना मेघे की। मेरी बात समझ रही हो ना? शेमा,
खुश रहो, आबाद रहो। सफर गलती है, मेरा घर बर्बाद करती है, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, छोड़ो मुझे। मैं उसकी तमाम तर कमजोरियों को समझती हूँ, इसीलिए मैं हमेशा उसके साथ रही हूँ और मैंने हमेशा उसका ख्याल रखा है। और अब मैं चाहती हूँ ये जिम्मेदारी तुम लोग लो और उसे उन तमाम तर चीजों से दूर रखो जो उसके दौरे का सबब बनती। आप ही तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं और नौशी संभाल लेंगे उसे। तुम तो संभाल लोगी मानू, मगर नौशी इसकी तो हर छोटी छोटी बात पे उसके साथ नोक झोंक रहती है। मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि गुस्सा उसके लिए बहुत खतरनाक है। तो आप उसको समझाए ना, छोटी छोटी बातों पे वो भी तो लड़ती है मुझसे। वो बच्ची है नौशीन और बीमार भी है, और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि हर छोटी छोटी बात की वजह से अम्मा को आस्तानी से घर भाग के आना पड़े। अम्मा को अम्मा के काम करने दो और तुम दोनों अब ये जिम्मेदारी संभाल लो। मुझे सबसे ज्यादा फिक्र तुम्हारी रहती है नौशीन, तुम घर के कामों से जिम्मेदारी से बहुत जल्दी घबरा जाती हो, और ऐसे में मुझे नहीं लगता कि तुम गुड़िया का ख्याल रख पाओगी। आप ही बेफिक्र हो जाओ, मैं हूं ना। उसे आस्तानी के करीब बिल्कुल मत जाने देना, पर हाँ रात के वक्त सहन में तो बिल्कुल मत जाने देना। हर रात बिला नाका कस के उसकी चुटिया बांधना जो सुबह तक ना खुले। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि अम्मा सारी दुनिया का इलाज करती है और एक इलाज नहीं करती तो गुड़िया का। इसका इलाज बहुत तकलीफ दे है, तो सब कुछ अम्मा गुड़िया के साथ नहीं कर सकती। कुछ भी हो अम्मा ने संभाला हुआ तो है ना। खैर तुम दोनों अब अपने काम करो, ये भी किचन में जाना है खाना बनाने। ड्राइवर गाड़ी निकालो। तुम तैयार हो ना? मगर अगर मैं आज ना जाऊं तो? ठीक है परवीन बेटा, अगर तुम अपने अंदर से ये सारे खौफ नहीं निकालोगी तो कभी भी इन मुश्किलों का सामना नहीं कर सकती। असल में मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा आज। बेटा ख्वाब शाह कोई चीज नहीं होते, आपको ऐसी चीजों का मुकाबला उनके सामने खड़े रहकर करना पड़ता है। मेरे होते हुए किस बात का डर है तुम्हें? अल्लाह तुम्हारे साथ है। लाला रानी आ जाओ। कुछ नहीं हमारे में, तुम्हें अभी सब समझाती हूँ। मैं पुलिस को फोन मिलाती हूँ, एक मिनट रुको। क्या हुआ पानी दो। अरे हुआ क्या? पता नहीं साहब एकदम अचानक घुस गया। आगे आलिया, अब्बा के लिए पानी लेके आ जल्दी। जी आई अम्मा। कहाँ चले गए थे? अरे यहीं गया था बाबर के पास, उसे 3,000 रुपए दे आया हूँ। कल वो मेरे लिए टेबल कुर्सी बर्निया और बच्चों को भेजने का सामान ला देगा। अब्बा पानी? कह रहा था कि होलसेल से ला कर दूंगा, पैसे भी बच जाएंगे। अरे अच्छी क्या जरूरत पड़ गई इस बीमारी में, धंधे की फिक्र क्यों कर रहे हो? अरे तो मैं कौन सा पहाड़ तोड़ने जा रहा हूँ, सारा दिन दरवाजे पे ही तो बैठा रहूंगा, और वैसे भी तो घर में भी बैठा ही रहता हूँ ना। बच्चों की चीजें हैं बिस्किट टाफियां सुपारी वगैरह, बस उनको चीज देनी है और पैसे लेने हैं।
इसमें कौन था भाग दौड़ है? अब्बा आपको आराम की जरूरत है, आपकी सेहत इस काबिल नहीं कि आप ये सब कुछ करें, और वैसे भी मैं और अम्मा इतना कमा लेते हैं कि घर की दाल रोटी आराम से चल जाए। अरे मेरी बच्ची, तू पराया धन है, मेरी गैरत गवारा नहीं करती तेरी कमाई खाना। बस मैं तो ये दुआ करता हूँ कि थोड़े थोड़े पैसे करके जोड़ दूँ और किसी तरह इसको रुखसत कर दूँ ताकि मुझे सुकून मिल जाए। अब्बा मैं आपके लिए दलिया बना के लेके आती हूँ। वो भी सब हो जाएगा, कोई अच्छा रिश्ता तो मिले, और जब रिश्ता आएगा तो मैं सब जोड़ तोड़ लूंगी, थोड़ा बहुत तो जोड़ के रखा है मैंने। अरे अल्लाह मेरी बेटी के नसीब अच्छे करे, रिश्ता भी मिल जाएगा, तू फिक्र न कर। इस तरह के कामों में ये सारी बातें होती रहती हैं, और तुम ही मुझसे कहते हो कि कभी भी डर कर पीछे नहीं हटना चाहिए। अब क्या इन बातों की वजह से हम अपना काम ही छोड़ दें? जी एसपी साहब से मेरी बात हो गई थी, मैं बस आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी, आपने फौरन ही मोबाइल भेज दी। ओके मोस्ट वेलकम। उसे गिरफ्तार तो कर लिया है, कल रिमांड लेंगे। नहीं मैं आपको पहले ही कह रहा था, इन मामलों को घर से दूर रखना चाहिए, खुदा ना खास्ता आपको कुछ भी हो जाता तो। ना मुझे कुछ नहीं हुआ है, डोंट वरी, वैसे भी अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ हो भी नहीं सकता। मैं नेक नियति से और खुलूस दिल से सबका काम करती हूँ, तो क्या उनकी दुआएं नहीं होंगी मेरे साथ? तुम अपना मूड अच्छा कर लो, मैं अच्छी सी कॉफी बनाती हूँ, फिर पीने के बाद दोनों अपने अपने काम पर जाते हैं। अम्मी चाहे जो भी हो जाए मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा। व्हाट डू यू मीन हमाद? मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है आज। हमाद प्लीज बिहेव योरसेल्फ, देखो इस तरह के कामों में ये सारी बातें होती रहती हैं, और तुम ही मुझसे कहते हो कि कभी भी डर कर पीछे नहीं हटना चाहिए। अब क्या इन बातों की वजह से हम अपना काम ही छोड़ दें? बी ब्रेव बेटा, मैं कॉफी बना रही हूँ, तुम आ जाओ। तौबा तौबा, कल का दिन कितना बुरा गुजरा। स्टोर में तो मेरा दम घुट गया था, अगर साईं मेरी पहली बीवी से इतना डरते क्यों है? मर्द होकर एक औरत से, उनकी बीवी तो बुढ़िया है बुढ़िया, और मैं बीवी तो तू भी है, बुढ़िया नहीं जवान और खूबसूरत। वाह 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 माशाल्लाह, आज तो लश्कारे मारी। साईं मैं खूबसूरत हूं ना? नहीं। अम्मा ने कहा है आज के सारे काम तुमसे करवाने हैं। कुछ दिन में मैं तो चली जाऊंगी, फिर इस घर के सारे काम तुम्हें संभालने होंगे। क्या मतलब? इस घर में मेरे अलावा कोई नहीं है जो काम करेगा आपके बाद? वो दोनों महारानियां क्या करेंगी?